हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो टाइमर में ऑटो सोक होता है दोस्तों, एक वो किस तरीके से काम करता है और क्यों होता है दोस्तों, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, ये आज हम बात करेंगे। ऑटो सोक ये आपको जो मिलेगा वो 35, 40, 45 ये इसी तरीके से जो लंबा टाइम का टाइमर होगा ये उसमें आपको ऑटो सोक ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आपको 15 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये आपको जब भी मिलेगा आपको 35 मिनट या 45 मिनट या आपका कुछ और भी रीज़न हो सकता है जो कि जिस पे ये टाइमर सोक टाइमर मिलता है। तो इसका दोस्तों फ़ायदा क्या होता है और क्या मतलब इसका बेनिफिट होता है जो कि ये हमें सोक टाइमर ऑटो सोक जो देते हैं कंपनी वाले, इसका रीज़न आखिर होता क्या है दोस्तों, ये आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई अपडेट आपको देता रहता हूँ। और भी हम आगे बात करने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन की हमारी सीरीज ख़त्म होने वाली है, लेकिन उससे आगे हम बात करेंगे इन्वर्टर, बैटरा, स्टेबलाइजर, पंखा, कूलर एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिशियन में मतलब आपके घरों में जो यूज़ होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑटो सोक के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑटो सोक होता क्यों है और ये दोस्तों 20 मिनट या 15 मिनट के ऊपर ही यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा काम करता है, तो ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आप देखेंगे आप यहाँ पे ये नहीं चल रही है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसको घुमाऊँ तो यहाँ पे चलने लगी है दोस्तों। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये मोटर चलने लगी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और अगर ऊपर घुमाता हूँ, मैं नीचे को करता हूँ तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। ये थोड़ा सा वेट करेगी, थोड़ा सा आराम करेगी, फिर ये चलने लगेगी। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये कंपनी वाले क्यों देते हैं सोक टाइमर? तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। आपने अगर ये जीरो पे है, जीरो के बाद अगर आपने ये हमने 35 मिनट पे ये कर दिया, सेट कर दिया, अब ये जब यहाँ से चालू होगी तो ये करते करते हमारे पास यहाँ तक ये 35 मिनट पे बंद हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि अगर आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप अगर पैदल रेगुलर पूरा दिन अगर चलते रहेंगे तो आप थक जाएंगे दोस्तों, आपके घोटों में दर्द, आपकी कमर में दर्द, आपके जहाँ जहाँ मतलब आपको कमजोरियाँ, आपको वहाँ दर्द होने लगेगा। तो उसी आधार पे ये है दोस्तों कि जब ये 35 मिनट तक रेगुलर चलेगी तो चलते 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 इसका हो सकता है, इसका जो ये पल्सिटर है वो घिस जाए, हो सकता है इसका बूस्ट कट जाए, हो सकता है इसकी बेल्ट मतलब घिस जाए, हो सकता है इसका जो मोटर है गर्म होकर वो ख़राब हो जाए। तो अगर ये 35 मिनट तक चलेगी तो ये इसमें नुकसान हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी यहाँ से 10 मिनट चलेगी फिर ये रुक जाएगी। तो रुकने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो इसके बुश हैं वो गर्म हो जाएंगे 10 मिनट में, तो जब ये रुक जाएगी तो वो ठंडे पड़ जाएंगे। मोटर जब चलती है 10 मिनट तक तो वो गर्म हो जाएगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर ये रेगुलर 35 मिनट तक चलती रही तो आप लगा लीजिए कि एक महीने के अंदर अंदर आपकी मोटर, वफर, बेल्ट सारी घिस जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों 15 मिनट के टाइमर में जो आपको मिलता है वो सोक टाइमर नहीं मिलता है, ये आपको 35 मिनट में इसीलिए सोक देते हैं जिससे कि वो रुक रुक के ठंडी हो के, रुक रुक के ठंडी हो के वो चलती रहे दोस्तों, बस उसका मेन कारण यही होता है। लेकिन आप सोचते हैं ऑटो सोक है तो कभी कभी क्या होती है, जिसको नहीं पता, वो अगर मोटर हमारी रुक जाती है तो वो सोचते हैं कि हमारा टाइमर ख़राब है या मोटर ख़राब है, किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, वो अच्छे खासे पैसे ले जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये लिखा हुआ है सोक टाइमर, या आपकी कहीं मोटर रुक रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मोटर में कोई मिस्त्री या आपको किसी ने दिखाया, किसी को दिखाई हो मशीन, तो वो आपकी मोटर में सोक टाइमर तो नहीं डाल गया। तो आप का यही रीज़न होता है ऑटो सोक का कि वो रुक रुक कर चलती है, रुक रुक कर चलने का फ़ायदा भी है जिससे कि मोटर हमारी सेफ रहती है, गियर बक्सा हमारा सेफ रहता है एंड हमारी जो बेल्ट होती है वो सेफ रहती है रुक रुक कर चलने से। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको सोक टाइमर के बारे में, सोक जो ऑटो सोक होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बराबर में जो है ये दोस्तों नॉर्मल और ये जेंटल और ये स्ट्रोंग, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे एक तीर लगा हुआ, यहाँ पे दो तीर लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे तीन तीर लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो जेंटल का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप हल्के, बहुत हल्के कपड़े होंगे तो आपका यहाँ पे चलेगा दोस्तों, या आप समझ लीजिए कि आपके जो
कम कपड़े हैं, जैसे कि सपोज के लिए एक सेट धोनी आपको, तो पानी आपने रखा यहाँ पे, तो आपको क्या है, एक कपड़ा है तो ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन नहीं चल पाएगी आपकी, और ज़्यादा देर क्या, मोटर पे लोड भी नहीं है ज़्यादा और कम कपड़े हैं, तो आप इसको रखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये है, या फिर हल्के कपड़े हैं। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपके कपड़े 5 हो गए हैं, यहाँ पे एक या दो धुल रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े हो गए हैं 5 या 10 कपड़े हो गए, तो आप इसे नॉर्मल रखेंगे दोस्तों। अब सपोज कर लीजिए कि आपको फुल कपड़े धोने, मतलब के बस मशीन है हमारी 6 किलो की, तो आपको करीब 3 किलो या 4 किलो कपड़े आपको धोने हैं, तो आप रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब है जैसे जींस की पैंट हो गई, जैकेट हो गई, एंड कोई भी भारी कपड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब है कि जब ये चलेगा तो ये देर तक घूमेगा, जब ये देर तक घूमेगा तो इसके राउंड जो होंगे पानी के, आप देखेंगे एक अलग ही तरीके से आपको राउंड दिखाई देंगे पानी के। लेकिन आप जब इसको यहाँ रखेंगे तो जब आप ये चलेगा तो ये कम टाइम में चलेगा, इस टाइप से जल्दी जल्दी होगा ये, तो ये भी ये जल्दी जल्दी होगा, तो इसमें राउंड हमारे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। लेकिन और हल्के कपड़े अगर आपने यहाँ रख दिए तो और जल्दी जल्दी होगा ये, जिससे कि हमारे राउंड वो नहीं बन पाएंगे जो वे हल्के कपड़ों के लिए होता है। और ये जो नॉर्मल है ये हमारा थोड़े हैवी कपड़ों के लिए होता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते ही होंगे, तो ये हमारे बहुत भारी कपड़ों के लिए होता है, जैसे जींस की पैंट, जैकेट वगैरह, ऐसी चीज़ों के लिए होता है। तो आई होप दोस्तों आप इसका मतलब समझ गए होंगे, सोक टाइमर और आप सेलेक्टर का मतलब समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी, और आप वीडियो समझ आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, नई एक वीडियो के साथ दोस्तों।